हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का फिर एक बार न्यू इंडिया वॉइस डॉट कॉम पे। जैसे कि आप वीडियो का टाइटल देख चुके हैं, आज के हम इस वीडियो के अंदर बात करने जा रहे हैं कि कैसे हम सबलाइम टेक्स्ट एडिटर डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही हम कैसे उसके अंदर एमेट एब्रीवेशन इंस्टॉल कर सकते हैं और कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स से हमारी कोडिंग को ईजी बना सकते हैं। तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम लोग डायरेक्टली चलते हैं ब्राउजर के ऊपर। यू कैन सी कि मेरा यहाँ पर इंटरनेट कनेक्ट है। यही वीडियो मैंने इंग्लिश के अंदर भी बना के अपलोड किया है कि हाउ टू इंस्टॉल एमेट एंड सबलाइम टेक्स्ट एडिटर एंड ऑल्सो टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग दैट इन इंग्लिश। तो अगर आप इंग्लिश व्यूअर है तो आप उसको इसी चैनल के ऊपर देख सकते हैं मेरे प्लेलिस्ट के अंदर। तो हियर मैंने क्लिक किया इसके ऊपर, आपने देखा होगा कि newindiavoice.com का मेरा यहाँ पे एक टैब दिखाई दे रहा था। आप लोग चाहते हैं कि वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं तो उसके लिए ज्यादा कोई वीडियो वॉच करने की जरूरत नहीं है। जब आप इसके ऊपर जाएंगे, जब आप क्रोम डाउनलोड करते हैं, क्रोम के ऊपर जैसे ही आप अपनी जीमेल डालते हैं तो डायरेक्टली वो टैब आपको बना के दे देता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, अगर आप कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस मेरे देखना चाहते हैं जिसके अंदर मैंने यहाँ पे सिखाया है कि कैसे आप यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर अच्छे से HTML और CSS सीख सकते हैं, जहाँ पे हम HTML CSS आपको रटाएंगे नहीं, आपको समझाएंगे। HTML और CSS को सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप फ्रंट एंड पे काम करते हैं तो HTML CSS इज द बेस्ट फॉर यू। सो हाउ यू कैन डू दैट, यू कैन डू सिंपली लाइक दिस। यू हैव टू क्लिक ऑन न्यू इंडिया voice.com done. You have to type this there and you will be redirected to my page, like my page, like you, आप क्या कह सकते हैं इसको, मेरे चैनल के ऊपर चले जाएंगे। और मैं नया हूँ यहाँ पे, आप लोगों को पता ही होगा, and the internet connection is also new to me. Just a minute, let me check what is happening. अरे यार, ये नेट का connection. Okay, वो नेट का कनेक्शन ऑफ हो गया था, मैं मोबाइल से नेट कनेक्ट करके चला रहा हूँ। तो जस्ट अ सेकंड, लेट मी वंस डू दिस अगेन। अच्छा यार, क्यों परेशान कर रहा है। हाँ, सो दिस इज माय चैनल newindiavoice.com। मैंने यहाँ पर आकर आप देख सकते हैं HTML का फुल कोर्स मैंने यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसको सीख सकते हैं। इसके नीचे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की है कि फुल विड्थ का क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर लर्न एंड अनिमनी मैंने यहाँ पर आपको और भी चीजें सिखाई है कि कैसे पेनल्टी से मीशो पे बच सकते हैं और बहुत सारी चीजें जो आप सीखना चाहते हैं वो सब आपको यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। सो लेट्स डन टू बी हियर एंड जस्ट अमे व्हाट इज दिस, दिस इज समथिंग लाइक दैट, आई डोंट नो, ओके, आई विल गो टू द लेटर। सो हियर आपको डायरेक्टली सिर्फ सबलाइम के ऊपर लिखना है। सबलाइम लिखने से आपका सबलाइम यहाँ पर लिखकर आ जाएगा। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर में आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर जाएंगे डाउनलोड फॉर विंडोज पे क्लिक करेंगे या इस डाउनलोड टैब पे क्लिक करेंगे तो भी आपका सबलाइम डाउनलोड होना इंस्टॉल हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी कर रखा है तो मैं फोल्डर में जाऊंगा और इस कोड वापस से डिलीट कर दूंगा। जस्ट अ मिनट, डन। अरे क्या है यार, जस्ट अ सेकंड, हियर लेट मी गो इन डाउनलोड्स एंड लेट मी पॉज दिस। ओके, अभी मैंने जो इंग्लिश वाला वीडियो बनाया था उसके अंदर भी मैंने डाउनलोड करके दिखाया था, तो वो दो तीन दिन बाद डाउनलोड हो चुका है। इसको मैं यहाँ से एक बार डायरेक्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ से आप लोग समझ गए होंगे कैसे सबलाइम डाउनलोड करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं मोबाइल इंटरनेट यूज ले रहा हूँ तो वो इतनी जल्दी डाउनलोड भी नहीं होगा, आप लोगों का टाइम खराब होगा। जैसे ही आपका ये डाउनलोड हो जाएगा तो सिंपली आपको जाना है कहाँ पे, फोल्डर पे क्लिक करना है। फोल्डर में ये जो भी आपको फाइल होगी आप लोगों के डाउनलोड में, मेरे पास डाउनलोड में यहाँ पे दिख रहा होगा सबलाइम टेक्स्ट बिल्डर। सिंपली आपको इसको रन एज एडमिनिस्टर करना है तो आपका ये चल जाएगा। आपका कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल्ड है तो वो इसको करप्ट नहीं करेगा, ये बिल्कुल सिक्योर टेक्स्ट एडिटर है, लाइक VS कोड, लाइक XAMPP, तो लाइक सर्वर है, तो इट इज सेफ, लाइक इट इज कम्प्लीटली सेफ। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देख लिया है, ठीक है। उसके बाद में जस्ट सेकेंड, ओके ये चल रहा है, मैं देख रहा था कि शायद इंस्टॉल मेरा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा है। ओके, तो हम लोगों ने मान लीजिए एक बार इंस्टॉल कर लिया है, दिस इज द वे, और हमारा यहाँ पर ये खुलकर आ गया है। अब हम आपको बताएंगे कि कैसे आप फोल्डर बना सकते हैं, क्योंकि ये लिटिल बिट डिफरेंट है VS कोड से। यहाँ पर सिंपली रिफ्रेश करते हैं, जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे सबलाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो सबलाइम यहाँ पर आपका आ जाता है। तो दो तरीके हैं आपके पास सबलाइम के अंदर काम करने के, या तो आप कोई फोल्डर बना ले होम स्क्रीन के ऊपर, जैसे मैंने एक फोल्डर बनाया और मैं इस फोल्डर को खोलना चाहता हूँ, इसको एक बार नाम दे देता हूँ कोई, जैसे मैं इसको दे देता हूँ न्यू इंडिया, सॉरी इसको मैं HTML ही नाम दे देता हूँ, क्या बार बार नाम लेना है ना। HTML मैंने इसको नाम दे दिया और मैं इसको सबलाइम में खोलना चाहता हूँ, तो सिंपली मैं सबलाइम के ऊपर जाऊंगा, जो पुरानी फाइल है उस पर कुछ मुझे रखने नहीं है, ठीक है। तो मैं कैसे अपना नया फोल्डर खोल सकता हूँ, यहाँ फाइल्स पे जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा ओपन फोल्डर, ओपन फोल्डर पे ये मुझे अपना पेज दिखा देगा। जस्ट
करता है कभी कभी नटखट आदमी। हरे कृष्ण। ओपन फोल्डर, यहाँ पे मेरा ये डेस्कटॉप के ऊपर पड़ा है, डेस्कटॉप के ऊपर HTML सिलेक्ट, मैंने इसको ओपन कर लिया है, ठीक है, सिलेक्ट करके पुराना वाला मैं क्लोज कर देता हूँ। नेक्स्ट विंडो आपको यहाँ पर अपीयर होगी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर के अंदर मैं एक फाइल बनाऊँ, जैसा कि मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। आपके सामने मैंने ये फोल्डर बनाया है और इस फोल्डर के अंदर कोई फाइल नहीं है, तो मेरे को इसमें फाइल चाहिए, तो मैं कैसे चलाऊंगा इसके अंदर फाइल। यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा फाइल पे और यहाँ पे न्यू फाइल लिखकर मैं बना सकता हूँ, या फिर जब मेरा फोल्डर बना हुआ है तो यहाँ पे मैं सिंपली न्यू फाइल पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल एस दबाऊंगा और यहाँ पे जो मुझे फाइल बनानी है, जैसे कि मैं index.html बनाना चाहता हूँ, index.html, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ इसको अपने ब्राउजर में खोलना, तो कैसे खोल सकता हूँ, मैं यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करूंगा ओपन इन ब्राउजर, और क्योंकि मैंने इसमें कुछ लिखा नहीं है तो ब्राउजर पे कुछ दिखेगा नहीं, ठीक है। हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे कुछ लिखते हैं, इसको सेव करते हैं और रिफ्रेश करते हैं, तो ब्राउजर पे दिख रहा है, तो फिर हमें बाकी सब चीजों की क्या जरूरत, क्योंकि HTML के लैंग्वेज में लिखेंगे ना तो बाद में ये इनको प्रमोट नहीं करेगा। और सिंपली आप चाहते हैं कि ये शिफ्ट और एक्सक्लेमेशन, इस पे क्लिक करें, शिफ्ट दबा के एक्सक्लेमेशन मार्क जैसे आप VS Code में करते हैं, और ये आपके पास विंडो आ जाए, क्योंकि आपके पास में अगर Emmet इंस्टॉल नहीं है तो ये आपको दिखेगा नहीं, तो उसके लिए आपको Emmet इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ Emmet कैसे इंस्टॉल होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको कंट्रोल और शिफ्ट दबाना है और उसके साथ में पी दबाना है, तो आपके पास ये कमांड पैलेट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टॉल install, इंस्टॉल पैकेज, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे लोडिंग, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है लोडिंग, और यहाँ पर वन लाइन, लाइन वन, कॉलम वन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बाकी वगैरह सब चीजें दिखा रहा है, तो ये इसको कर लेने दीजिए। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा फिर आपको कंट्रोल शिफ्ट पे क्लिक करना है, पी दबाना है, Emmet पे Emmet टाइप करना है, और आपको यहाँ पर Emmet दिखाने लग जाएगा। जो आपको Emmet चाहिए उस Emmet के ऊपर आप क्लिक कर देंगे और आपके पास में Emmet इंस्टॉल हो जाएगा। तो दिस वे आप Emmet इंस्टॉल कर सकते हैं, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए वो यहाँ पर दिखा रहा है, ठीक है। तो गाइस ये तो हो गई हमारी बात की बात। अब मैं इसको हाइड करना है, मैं चाहता हूँ, देखिए आप मैं कहीं भी क्लिक करूंगा तो ये हाइड नहीं हो रहा, तो वापस से आपको कंट्रोल शिफ्ट दबाना और पी दबाना है, कंट्रोल शिफ्ट दबाना है, पी दबाना है, और ये हाइड हो जाएगा। तो दिस वे आप Emmet इंस्टॉल कर सकते हैं। अब Emmet को कैसे यूज लेना, शिफ्ट के बाद में एक्सक्लेमेशन मार्क दबाकर एंटर दबाएंगे तो ये एब्रिवेशन आपकी आएगी नहीं, तो यहाँ पर क्या होता है आपको शिफ्ट के साथ एक्सक्लेमेशन मार्क दबाना है और टैब पे क्लिक करना है और ये आपके पास में आ जाएगा। अब ये तो हुई बात की बात Emmet की, अगर आपने Emmet इंस्टॉल नहीं किया रखा है और आप फिर भी चाहते हैं कि एक्सटेंशन आ जाए तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसके लिए Emmet की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप शिफ्ट के साथ में ग्रेटर देन का साइन दबाइए, HTML लिखिए, HTML, और इसका इनबिल्ट और टैब पे क्लिक करिए। जो इनबिल्ट है, किसका इनबिल्ट है, सबलाइन टेक्स्ट एडिटर की जो Emmet की जो इनबिल्ट एब्रिविएशन है उसने अपना इंस्टॉल किया हुआ है, तो वो आपको एब्रिविएशन लिखकर दे देगा और यहाँ पर आपके पास में ये विंडो आ जाएगी। अब आपको मैं टाइटल टैग का यूज बताता हूँ, कई सारे जो इनके साथ आप काम मतलब वीडियोस देखते हैं वो आपको कहते हैं कि आप टाइटल टैग बॉडी में यूज कर सकते हो, बट देयर इज नो यूज ऑफ दैट। लाइक मैं इसको यहाँ पर टाइटल लिखता हूँ, ठीक है, और मैं इसमें कुछ लिख के एक बार सेव कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट, और मैं इसको F5 करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसके ऊपर कोई पेज पर रिफ्लेक्शन नहीं है, क्योंकि इन चीजों का कॉन्सेप्ट को समझने की जरूरत है कि टाइटल टैग सिर्फ कहाँ काम में लिया जा सकता है, हेड टैग में काम में लिया जा सकता है। हेड टैग के अंदर लिखकर आप उसमें कुछ भी लिखेंगे तो वो आपको कहाँ पे दिखेगा, जस्ट अ मिनट, ये बार बार बोलता रहता है परचेस कर लो, यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये ब्राउजर को अगर आप चाहते हैं, जैसे flipkart.com ऊपर लिखा हुआ था, आप चाहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर कुछ लिखा हुआ है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरी वेबसाइट के ऊपर लिखा हुआ है newindiavoice.com, और इसके बाद में मैं चाहता हूँ ऐसे 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 ऐसा आ जाए, तो मैं इसको सेव करता हूँ और मैं इसको F5 करता हूँ, और newindiavoice.com, ये मैंने इसको लुक दे दिया, ऐसा ही लुक आता रहता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये एकदम मतलब सेक्सी वाला लुक आए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डबल डैश, मतलब ऐसा कुछ लिख के हम लिखेंगे http://www. ठीक है, अब दिस इज शोइंग कि आप ये यूज नहीं कर सकते हो, तो ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे लुक दे रहा है वो वेबसाइट वाला, आप ऐसे वेबसाइट वाला लुक ले सकते हैं। जैसे आप इसके ऊपर कर्सर लाएंगे यहाँ पर ये आपको शो करेगा कि लोकल और शेड फाइल, ओके। दिस वे अब नाउ हम अपने टिप्स पे आते हैं कि आप इसके अंदर कैसे कर सकते हैं। जैसे VS Code में हम ऐसे फॉर्म लिखकर एंटर मारते थे तो फॉर्म की एब्रिविएशन आ जाती है, पर इसमें नहीं होता है। इसमें आपको क्या करना है, पहले ग्रेटर देन का साइन और फिर फॉर्म दबा के एंटर मारना है और आपके पास आ जाएगा, फिर आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हैं, समझ गए। ऐसे करके कंट्रोल जेड करके हम अपनी फाइल ठीक कर देंगे। अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ, ठीक है, ये तो आपको पता चल गया कि कैसे टैग को यूज लेना है, पहले साइन लगाना है फिर उसके बाद में फॉर्म टैग लिख के एंटर मार देना, आपका काम हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज, हमने किया H1 लिखा, ठीक है,
फिर मैंने लिखा एच टू, ठीक है, फिर मैंने लिखा एच थ्री। अब अपनी एक चीज देखिए, मैं ऐसे जाकर एंटर दबाकर फिर एच फोर ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ डायरेक्टली कुछ प्रेस कर रहा हूं और मेरा कर्सर नेक्स्ट लाइन पे आ रहा है। तो कर्सर को नेक्स्ट लाइन पे लाने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाना है। जैसे कि मैं एक बार आपको करके दिखाता हूँ, जस्ट अ मिनट, एच फाइव मैंने यहाँ पे किया, अब मैं चाहता हूँ ये इस पर आए, तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट दबाएं और नेक्स्ट पर आ जाए। अब यहाँ पर वापस से आपको जो लिखना है वो लिखें, ये तो एक चीज हो गई। अब आप चाहते हैं कि ये जो आपकी एच सिक्स है ये एच वन की जगह आ जाए, तो आप सिंपली इसको ऐसे ऊपर लिया है, एक किक कैसे कर रहा हूँ मैं, तो क्या होता है कि एक तो चीज आप ऐसा कर सकते हैं कि आप इसको यहाँ से कट करें और यहाँ पर पेस्ट कर दें, पर ये थोड़ा बड़ा लेंथी प्रोसेस नहीं हो गया, मतलब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं डायरेक्टली ऐसे करके ले आऊँ। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ कंट्रोल और शिफ्ट एक साथ दबाना है, और अप साइड की को ऊपर करेंगे तो ऊपर जाएगा, बॉटम डाउन करेंगे तो बॉटम डाउन जाएगा, ठीक है, पर ये लेफ्ट राइट तो इसके अंदर फंक्शन ही नहीं होता तो वो काम नहीं करेगा, ठीक है सर। तो ये आप लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से टैग्स बनाने हैं, नई फाइल्स बनानी है, नए फोल्डर्स बनाने हैं, तो उसके लिए आप हमारा चैनल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको HTML CSS का भी दिखाया था, मेरा YouTube चैनल खोल के, कि कैसे वीडियो वहां पर मिल जाएगा। नेक्स्ट थिंग, वन थिंग और, जो आप चाहते हैं कि मतलब आपका एक फोल्डर बना हुआ है, फोल्डर से खोलना बताता हूँ सबलाइम को, ठीक है। मैंने एक नया फोल्डर बना दिया, इसको नाम दे दिया CSS। हम आपको CSS भी बॉटम से सिखाएंगे और आपको मजा आएगा। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे खोले, पर VS Code में तो क्या होता है कि जो हमारा रिफ्रेश बार होता है उसी के अंदर हमारा VS Code दिखाता है कि ओपन विद VS Code, और ये फोल्डर वहां खुल जाता है, फिर हम फोल्डर बना देते हैं। पर सबलाइम को ऐसे करना चाहते हैं तो आपको न्यू पे क्लिक करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक बना लेना है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बना लीजिए और उसके ऊपर क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ओपन विद सबलाइम आएगा। यहाँ पर इस HTML के अंदर ये आपको दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आकर आपको जो फाइल बनानी है इसके ऊपर HTML पे क्लिक करके, न्यू फाइल पे क्लिक करके, जो भी फाइल आपको बनानी है कंट्रोल एस करें, उसका नाम दे के .html .css जो भी बनाना है उसको एक्सटेंशन दे और यहाँ पर बैक आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, अब मैं तैयारी से काम नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये HTML में सेव हो गया, मैंने उसको CSS में करना था, सॉरी मेरे को यहाँ CSS में इसको सेव करना था, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया। एक चीज और, अगर आप सबलाइन काम कर रहे हैं तो सबलाइन क्या करता है, बाय डिफॉल्ट कौन सा ओपन करता है, जो आपने रिसेंट फोल्डर खोला हुआ था वही अपना ओपन करेगा। तो फोल्डर ओपन करना मैंने आपको बताया था कि आप ओपन पे जाएंगे, ओपन फोल्डर पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर जो आपका फोल्डर आपको खोलना है ओपन CSS करेंगे। यहाँ पर आपका ये न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको दिखा रहा है, पर आप अपना डॉक्यूमेंट बनाना चाहते हैं, न्यू पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे, एस करेंगे, उसके साथ में एक्सटेंशन लगा देंगे .css तो भी ये काम कर जाएगा। आप ये नहीं चाहते करना तो आप इसके ऊपर लिखना नहीं चाहते हैं, डायरेक्ट न्यू फाइल पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल एस करेंगे, यहाँ पे टाइप करेंगे डॉट करके CSS लिखेंगे और ये ऐसे भी बन जाएगा। तो ये कई सारे तरीके हैं, मैं इसको बैक कर देता हूँ जस्ट अ मिनट, और आप यहाँ पर देख सकते हैं मेरी दो CSS की फाइल्स बन चुकी है। ये मेरा टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं इसे डिलीट कर दूंगा, ठीक है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बाय डिफॉल्ट नोटपैड में ओपन होता है, नोटपैड के यूजेस आपको तब पता चलेंगे जब आप कोडिंग पर आएंगे, आपको काफी सारे कोड्स इधर से उधर करने होंगे तो आप उसके कोड में नोटपैड में लिखकर अपने डेटा और नोट्स के रूप में सेव कर सकते हैं। तो गाइज आज का हमारा ट्यूटोरियल यही था, इस ट्यूटोरियल के अंदर आप लोगों ने क्या सीखा, आपने सीखा कैसे सबलाइम को यूज कर सकते हैं, कैसे बाकी सारी चीजें कर सकते हैं। ऐसे ही रॉक ऑन वीडियोस के लिए देखने के लिए newindiavoice.com का चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।